नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शलगम की सब्जी बहुत लोगों ने बनाई होगी, लेकिन आज हम जिस स्टाइल से ये शलगम की सब्जी बनाएंगे, जो नहीं भी खाते हैं यकीन मानिए वो भी खाना शुरू हो जाएंगे। आप एक बार इसको बनाकर तो देखिए, मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। इसे चपाती के साथ खाएँ, इसे आप मक्की की रोटी के साथ खाएँ, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे शलगम की सब्जी। ये शलगम मैंने लिए है, ये 1 किलो शलगम है और इसको हमने कट कर लेना है। तो कट करने के लिए सबसे पहले तो हम ये ऊपर से और ये नीचे से यहाँ से कट करेंगे। तो ये इस तरह से यहाँ से कट कर देंगे और इस तरह से यहाँ से, दोनों तरफ से हमने कट कर देना। और फिर इसको इस तरह से इसका जो है छिलका उतार लेंगे। इसका जो है पीलर से छिलका ना उतारें, इसका नाइफ के हेल्प से ही छिलका उतारें। तो सारा हमने इस तरह से छिलका निकाल कर शलगम रेडी कर लेने, बड़े आराम से जो है ये छिलका निकल जाता है। तो हमने शलगम को छील लिया है, अब हम इसको कट कर लेंगे। शलगम बहुत ही फायदेमंद होता है और इसके बहुत ही फायदे हैं। ये फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, ये आँखों के लिए फायदेमंद होता है, ये वजन घटाने के लिए फायदेमंद होता है, हार्ट के लिए फायदेमंद होता है, कैंसर के रोगियों के लिए फायदेमंद होता है, इससे ब्लड प्रेशर भी जो है कम होता है। कम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही जो है फायदेमंद है। हमें शलगम को ज़रूर खाना चाहिए। तो शलगम जो है आज हम जिस तरीके से बनाएंगे, वीडियो आप एंड तक देखिएगा ताकि सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप तक मिल सकें, पहुंच सकें। जो लोग नहीं भी शलगम खाते हैं वो अगर आप इस तरह से बनाओगे तो आप वो भी शलगम ये खाने लगेंगे, इतने ये टेस्टी बनते हैं। तो इस तरह से शलगम को हमने कट कर लेना है। ये आप देख सकते हो, शलगम को लें, बीच में से आधा काटें और इस तरह से बीच में से कट डाल लें और छोटे छोटे टुकड़ों में इसको इस तरह से कट कर लें। ये तो सारे शलगम को हमने इस तरह से कट करके जो है रेडी कर लेना है। तो शलगम हमने सारे छील लिए, काट लिए और इस तरह से वॉश कर लिए। इसको 3-4 बार पानी में अच्छे से धो लें। और हमने एक टुकड़ा जो है ये अदरक का लिया और इसको भी अच्छे से धो लिया। अदरक का मैं छिलका इस तरह से नहीं उतारती हूँ, ये नया वाला अदरक है और छिलका बहुत ही इसका पतला होता है और छिलके में बहुत फ़ायदे हैं। तो इसको जो है हम इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेंगे, इस तरह से। तो बिल्कुल बारीक बारीक इसको इस तरह से चॉप, ये अदरक मैंने चॉप कर लिया और इतना सा अदरक मैंने बचा लिया है। तो ये तकरीबन चॉप करके 2 चम्मच के करीब ये अदरक है। तो अगर आप अदरक कम पसंद करते हो तो कम डाल लीजिए और ज़्यादा पसंद करते हो तो ज़्यादा। तो अब हम ले लेंगे एक प्रेशर कुकर, गैस को नीचे से ऑन कर लिया और इसमें डाल लेंगे कुकिंग ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हो वो आप डाल लें इसमें। तो मैं जो है इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अपने हिसाब से कर सकते हैं। जब ऑयल इस तरह से गर्म हो जाए तो आप इसमें अदरक डाल लें और अदरक को हमने हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अदरक हमारा ब्राउन हो चुका है और इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर और अच्छे से हिला लेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज में 1 बारीक चॉप करी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। मैं जो है इसमें 1/2 चम्मच के करीब नमक डालूंगी और इसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ी सी चीनी। ये सीक्रेट इन्ग्रीडियंट है, ज़रूर डालिएगा, इससे शलगम बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये मैं इसमें 1.5 स्पून डाल दूँगी। आप कम ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हो। इसके अंदर हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, वो हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1/3 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे लाल देगी मिर्च, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसको भी ज़रूर डालिएगा। तो ये आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। 1/2 चम्मच के करीब लाल देगी मिर्च डाल, इससे कलर भी बहुत बढ़िया आएगा और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से इसको मैश कर लेंगे। तो मसाला हमारा रेडी हो गया, हमने बहुत ज़्यादा टमाटर को करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम इसमें शलगम भी डाल दूंगी, ये कटे हुए धुले हुए शलगम। तो सारे शलगम डाल देंगे इसमें और एक बार इसको अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो इस तरह से हम इसमें पानी डाल देंगे तकरीबन 1/2 कप के करीब और प्रेशर कुकर को कर देंगे बंद और इसमें
चार से पांच इसमें आ चुकी हैं और प्रेशर इसका निकल चुका है नेचुरली। और इसको खोल लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि शलगम जो है हमारे अभी पूरे बने नहीं है, गल गए हैं। ये देखिए गल चुके हैं काफ़ी हद तक। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से इसको तोड़ेंगे तो इस तरह से हल्के हल्के गल गए हैं ये। लेकिन अभी हमने इसको और गलाना है। अभी हम इसको क्या करेंगे कि इस तरह से इसको मैश कर लेंगे। जितने ये मैश होते हो उस तरह से इसको इस तरह से कच्छी की हेल्प से इस तरह से इसको दबा दबा कर मैश करेंगे। ये देखिए आप देखोगे कि ये हल्के हल्के जो है इस तरह से मैश हो जाता है। ये देखिए इस तरह से दबाओगे तो ये मैश हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हल्के हल्के करने, हमने बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतने ही हम इसको मैश करेंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल लेंगे मटर। ये बिल्कुल फ्रेश मटर है, एक कप हम इसमें मटर डाल लेंगे, बिल्कुल फ्रेश मटर। और ये बिल्कुल फ्रेश है, मीठे मटर हैं, जल्दी गल जाते हैं इसलिए हम इसको बाद में डालते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे और प्रेशर कुकर को दोबारा से बंद कर देंगे इस तरह से। तो अब इसको मीडियम फ्लेम पे हमने कम से कम इसको 3 से 4 विसल्स इसमें आने देनी है। और इसको जो है हम लगभग देखें तो इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। ध्यान रहे कि पानी हमारा बिल्कुल सूखना नहीं चाहिए, पानी इसमें उतना रहना चाहिए कि हमारा जो सब्जी है वो नीचे ना लगे। तो इस तरीके से हम 3 से 4 विसल्स इसमें आने देंगे। तो 4 विसल्स आ चुकी हैं, हल्के फ्लेम में हमने इसमें 4 विसल्स लाए। अब चेक कर लेते हैं, या तो आप 4 विसल्स की वेट करिए या फिर आप इसको 10 से 12 मिनट के लिए हल्के फ्लेम पे इस तरह से पका सकते हो। प्रेशर जब निकल जाए नेचुरली तब हम इसको खोलेंगे। और ये देखिए आप देख सकते हो कि अच्छे हमारे जो शलगम है सॉफ्ट हो चुके हैं। और इसको हमने हल्का हल्का प्रेस करना है, मटर नहीं जो है मैश होने चाहिए, सिर्फ हल्का हल्का जो है हमारा ये शलगम मैश होने चाहिए। इसलिए बिल्कुल हल्के हाथों से जहाँ जहाँ शलगम है इसको मैश करते रहें। और इस स्टेज पे हम गैस को ऑन कर लेंगे। गैस को ऑन करके हमने इसको अच्छे से पकाना है। साथ साथ ये जो मोटे मोटे शलगम बीच में नज़र आ रहे हैं उनको हल्के हल्के हाथों से मैश कर, बिल्कुल मैं हल्का सा 1/3 स्पून के करीब इसमें नमक डालूंगी। और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा नमक नहीं अच्छा लगता है। तो इसको अच्छे से दोबारा से हिला लेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल तेज़ रखेंगे। इस तरह से आप बनाकर खाओगे तो यकीन मानिए आपको इतने टेस्टी लगेंगे कि जो लोग शलगम नहीं भी खाते हैं ना वो भी खाना शुरू कर देंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। आप मेरे स्टाइल से इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। और अभी इसको बिल्कुल भी निकालना नहीं है, अभी बने नहीं हैं, इसको इसी तरह से तेज़ गैस में हमने जो है पड़े रहने देना है। इसको आप किसी भी दाल के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, प्याज टमाटर का खीरे का रायता डालिए, बहुत ही ज़्यादा जो है उसके साथ ये टेस्टी लगता है। इसको किसी भी चीज़ के साथ ना खाइए, इसी तरह चपाती के साथ खा लीजिए, तब भी आपको बहुत ही यम्मी लगेगा। कुछ लोग तो इसको मक्की की रोटी के साथ भी खाना पसंद करते हैं। ये देखो इस तरह से हिला लेंगे। हमने गैस का फ्लेम जो है तेज़ ही रखना है। पानी हमने बिल्कुल इसमें से जो है ख़त्म कर देना है। अच्छे से जब आपको लगे कि घी हल्का हल्का निकलने लगा है तब तक हमने इसको जो है पकाना है अच्छे से। ये देखिए तो लीजिए पानी इसमें से बिल्कुल ड्राई हो चुका है और शलगम हमारा बनकर तैयार है। पहले हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया जो इसमें बहुत ही बढ़िया लगता है और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम ले लेंगे कोई भी बोल जिसमें हमने सर्व करना है और शलगम अपने जो है हम इसमें डालेंगे। अब देख सकते हो शलगम हमारे बहुत ही बढ़िया बने और कितने जो है इसका कलर टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत ही टेस्टी भी लग रहे हैं और खाने में वाकई में ये बहुत टेस्टी है। सब जो है बिना मटर के बनाते हैं लेकिन आप इस तरह से मटर वाले जो है शलगम बना कर देखें और यकीन मानिए मज़ा आने वाला है आपको। तो कभी भी धनिया जब हम सब्जी में डालते हैं तो कभी भी डालकर इसको बंद ना करें, इसको जब सर्व करने का टाइम हो उसी टाइम इसको जो है धनिया डालकर गार्निश करें। तो ऊपर से हम डाल देंगे धनिया और साथ में लेंगे हरी मिर्ची और मज़ा लेंगे इस शलगम का। इसे खाइए नॉर्मल चपाती के साथ या आप इसको खा सकते हो मक्की की रोटी के साथ। एंजॉय करिए और
कैसे लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।